दोस्तों मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ कि ये मानिए कि देखिए आधा लीटर दूध जो है मैं डेली लेता हूँ अपने घर पे, आधा लीटर दूध डेली मैं अपने घर पे लेता हूँ। और दूध जो होता है दोस्तों, दूध को मैं अच्छी तरीके से उबाल लेता हूँ। उबालने के बाद दूध में जो ऊपर ऊपर की जो मलाई बच जाती है, उस मलाई को दोस्तों मैं एक गंजी में रख देता हूँ। फिर उसके बाद ये यकीन मानिए कि मतलब एक महीने की जो मलाई होती है, एक महीने की मलाई से आधा लीटर रेगुलर दूध के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 15 लीटर दूध होता है एक महीने में। 15 लीटर दूध में दोस्तों हम कितनी मलाई से 15 लीटर दूध की मलाई से हम कितना घी निकाल सकते हैं, ये वीडियो में आप आज आप जानने वाले। और घी निकालने की सही और एकदम देसी विधि जो कि बिलौने की होती है, उस विधि से हम घी निकालेंगे। ज़्यादातर जो हमारे घर की माँ होती है वो लोग क्या करती है, जो मलाई निकली होती है उस मलाई को सीधे जो है सीधे वो आग में पका लेती है और उससे घी निकल जाता है। पर जो वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा ना दोस्तों, शुद्ध बिलौनी देसी घी से कैसे आप अच्छा और ज़्यादा घी निकाल सकते हैं, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना मलाई है मेरी, मैंने इसको फ्रिज में रखा था, फ्रिज में करके स्टोर कर रखा था। तो ऐसे आप भी अपने दूध में से मलाई निकाल करके उसको फ्रिज में बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। हम इसी से घी निकालने वाले हैं। तो उसको घी निकालने के लिए ये देखिए, आपने इतनी सारी जो मलाई इकट्ठी हुई है ना, लगभग ये 15 से 20 दिन की मलाइयाँ हैं और मलाई बहुत ही शानदार है, ख़राब तक की नहीं हुई है मलाइयाँ। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो होते हैं ना, ख़राब भी हो जाती है मलाइयाँ। इसको आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा। इसको अच्छी तरीके से चम्मच से आपको मिक्स कर लेना। मिक्स करने से क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स होंगे ना घी के, वो अच्छी तरीके से इसमें सिमुलेट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ये यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक वो ले रखा है पकाने के लिए, इसमें आप देखो पानी डालना है। पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरीके से हिलाना है। हिलाने से ये होगा कि ये जो घी के जो पार्टिकल्स होंगे ना, थोड़ा सा ठंडे पानी का आपको इस्तेमाल करना है, इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडे पानी से क्या होगा कि घी जो होगा ना वो जमने लग जाता है और जो ऊपर ऊपर का जो घी है ना वो अच्छी तरीके से चिकनाई से छूट जाएगा वो अपनी मलाई से। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे पतीला ले रखा, और पतीला जो हमने ले रखा है यहाँ पे मिट्टी का ले रखा। मिट्टी में क्या होता है, धीरे धीरे आँच बहुत अच्छी तरीके से चारों साइड से गर्म होती है मिट्टी। बर्तन जो होता है, अगर आप किसी भी बर्तन लेंगे, लोहे का बर्तन लेंगे या फिर आप एल्यूमिनियम का बर्तन लेंगे, वो एक साइड से गर्म होता है, अच्छी तरीके से ठंडा पानी मिला मिला करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। क्योंकि आप देखिए कि कितना घी इससे निकलने वाला है। चम्मच से अच्छी तरीके से मैंने जो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। मैंने लगभग ये मानकर चलिए मैंने बहुत देर इसको फेंटा था, और फेंटने से एकदम ये एकदम बिल्कुल देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें स्मेल भी आती है और घी की स्मेल तो अभी से ही आने लगी। आप देखेंगे कितना सारा घी इसमें दिख रहा है, हल्का हल्का सा पीला पीला जो आपको दिख रहा है, ये घी के ही पार्टिकल्स हैं। और इन पार्टिकल्स को अपन जो है दोस्तों गर्म करने के बाद ये पार्टिकल्स को अलग करना। मथानी है मेरे पास में, सिंपल मथानी है जिससे हम लोग दाल मथते हैं। इसको इतना मथना है, इतना मथना है दोस्तों कि मैंने काफ़ी देर मथा इसको, कम से कम आधे से 2 घंटे मैंने इसको मथा है। और मथने से ही जितना ज़्यादा आप मथेंगे ना, उतना शानदार घी इसमें से निकलता है। ये देखिए ये मक्खन जो है ना एक एक जगह पे स्टोर होने लगा, और यही मक्खन जो है ना देखिए हल्के हल्के से घी पार्टिकल दिख रहे होंगे, और यही मक्खनों से घी निकालने वाले हैं दोस्तों। अच्छी तरीके से फेंटते जाइए, फेंटते जाइए, फेंटते जाइए, खूब फेंटेंगे ना तो ये सारा मक्खन स्टोर हो जाएगा और ये लड्डू जैसा बनने लग जाएगा। और श्री हरि कृष्ण को यही मक्खन जो है पसंद होता था। हाँ, मथनी से मथा हो, ये देखिए कितना शानदार आपको ये मक्खन दिख रहा है दोस्तों। मथनी से मथा हुआ जो घी होता है ना, वास्तव में बहुत ही पौष्टिक लगता है। और ये मक्खन को भी आप ऐसे खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मक्खन को आप जो है वेस्ट कर सकते हैं, मक्खन को भी आप खा सकते हैं। मक्खन भी जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है अपने शरीर के लिए। ये हमारे शरीर की विषाक्त चीज़ों को दूर करने में मदद करता है। ये देखिए हमने इसको काफ़ी देर मथा, और मथने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे जो मक्खन है वो एक जगह पर स्टोर हो गया और सारी चिकनाहट, ये देखिए गांव में आपने देखा होगा, और एक जो गांव जैसी फीलिंग आने लग जाती है जब हम इसको जो है मथते हैं। और जो यशोदा लाल, यशोदा मैया की याद आ जाती है, कान्हा जी की याद आ जाती है, जब यशोदा मैया जो है मक्खन को मथा करती, दही को मथा करती थी, उसमें से मक्खन निकला करता था। यही जो मक्खन का लड्डू है ना दोस्तों, यही मक्खन का लड्डू जो है श्री हरि कृष्ण को, कृष्ण भगवान को यही मक्खन का लड्डू जो है चढ़ाया जाता था। हम भी जब इसमें से मक्खन हम जब मथ लेंगे ना, तो मक्खन से हमने थोड़े से एक दो लड्डू जो है ना हमने कान्हा के लिए जरूर निकाले थे। और आप भी जब भी मथें तो दोस्तों एक दो लड्डू जो है कान्हा जी और राधा जी के लिए जरूर निकालिएगा। इससे आपका घी बहुत ही शानदार बनेगा और घी में पौष्टिक गुण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री हरि कृष्ण के जो है इसमें आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देखिए हमने इतना सारे लड्डू हमने बना लिया है,
लड्डू लड्डू बनाने के बाद हमने, हालांकि दोस्तों इसमें जो है ना पतीला जो हमने अभी स्टील का ले रखा है, क्योंकि घी जो है हमने जो स्टोर कर रखा था ना, स्टोर करने के बाद मथना जो होता है ना वो मिट्टी के बर्तन में अगर आप अच्छा मथेंगे ना तो काफ़ी शानदार मथा आता है। ये देखिए लड्डू काफ़ी अच्छे सारे निकल रहे हैं, काफ़ी सारे लड्डू निकल रहे हैं इसमें, इसका घी जो होगा ना बहुत ही शानदार निकलने वाला है। ये देखिए लगभग लगभग जो है दोस्तों इतना हमने इसमें से निकाल रखा है, और देखिए पूरा जो है ना हमारा छाछ छाछ सा बच गया है। इस छाछ का भी उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि मठा का जो है मठे का हम उपयोग कर सकते हैं, लस्सी के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों हम रायता, बूंदी का रायता जिन लोगों को पसंद है बूंदी रायते में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसको एक दिन और रखना पड़ेगा, उसके बाद ये बहुत ही शानदार खट्टा खट्टा ये लगने लग जाता है। आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, जो अभी भी इसमें बहुत सारे घी के पार्टिकल्स इसमें हम आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको दोस्तों हम सिंपली क्या करेंगे, जो छन्नी है ना चाय की छन्नी, बड़ी वाली जो छन्नी होती है ना, उस छन्नी का इस्तेमाल करेंगे, और उस छन्नी से जो है हम जो थोड़ी बहुत भी जो उसमें मक्खन के पार्टिकल्स है ना, उन मक्खन के पार्टिकल्सों को हम जो है इसमें स्टोर कर लेंगे। और कपड़े की सहायता से भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, सूती कपड़ा आपको ले लेना है, मखमली कपड़ा आपको ले लेना है, उससे आपको ऐसे हिला हिला के जो है इससे से जितना भी मक्खन होगा उस मक्खन को आपको इसमें से निकाल लेना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं दोस्तों इसमें से मक्खन आखिर में कितना निकलता है। लगभग लगभग हमने दोस्तों सभी को इसको अच्छे से छान लिया है, लास्ट वाला है, और इसको छानने के बाद आप देख सकते हैं एकदम मट्ठा जो हमारा बिल्कुल साफ दिखने लगा, साफ सुथरा दिखने लगा, और मलाई भी जो है ना इसमें से जो मक्खन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी मात्रा में हमारी मक्खन निकल गई। तो मतलब अब ये रेडी हो गया है घी बनने के लिए। घी बनने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो बाउल हमने जो मिट्टी का ले रखा है ना, मिट्टी का बाउल जो हमने ले रखा है, पतीला ले रखा है, इस पतीले को दोस्तों आपको गैस में रख देना, और गैस की आंच को आपको ना तेज नहीं करनी, बिल्कुल मध्य रखना, जितनी मैंने मध्य रख रही तेज आपको बिल्कुल भी नहीं करना, मध्य आंच में आपको इसको छोड़ देना है, और धीरे 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 आपको इसको चलाना है। चलाने से ये होगा दोस्तों कि इसमें से जो है ना घी घी जो है ना ऊपर ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा मक्खन है ना वो एक जल करके उसमें से पूरी तरीके से घी निकल करके ऊपर की साइड दिखने लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, जब हल्का हल्का ये गर्म होने लग जाएगा ना तो आप देखेंगे आइट साइड से कितना प्यारा प्यारा सा घी इसमें से निकल जाएगा। और ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मलाई जिन लोगों को पसंद नहीं, ये देखिए ये घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही आपको जो है घी ऊपर की ओर दिखने लग जाता है। ये देखिए घी कितना शानदार घी दिख रहा है, और घी का टेक्सचर देखिए आप, घी कितना ही शानदार और दिख रहा है। और इसको आपको पकाना है, अभी और पकाना है, इसमें से जितना ज़्यादा आप पकाते जाएंगे आपका जो मलाई है ना वो जल जाएगी, और घी घी जो है वो ऊपर आ जाएगी, तैरने लग जाती है घी। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि यह दूध का रस होता है घी, जिसको आप पीने से आपके शरीर की हड्डियाँ चुस्त एवं तंदुरुस्त होती हैं, आपका दिमाग शुद्ध होता है, आपके शरीर के सभी टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने वाला होता है घी। घी का इस्तेमाल वैसे डेली जो है आपको अपने डाइट में करना ही चाहिए। ये देखिए घी जो है थोड़ी देर बाद और हमने इसको रखा, और जब ये देखिए इस तरह से हो जाता है, जब ज़्यादा देर तक आप पकाएंगे ना तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा पक चुका है। अब इसको जो है दोस्तों आपको छाने लेना है एक छन्नी से। इसमें आपको दोस्तों प्लास्टिक की छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इसमें करना है लोहे की छन्नी का इस्तेमाल। तो ये देख सकते हैं कि पूरा घी कितना सारा घी दोस्तों, ये देखिए कितना सारा घी, और कितना शानदार घी दिख रहा है इसमें। ऐसा घी आपको मार्केट में मिलने वाला नहीं है, मार्केट में जो मिलने वाला घी होगा ना वो आपको केमिकल से मिलने वाला होगा, और हम इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किए। काफ़ी सारे लोग घी बनाते समय फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घी जो होता है उनका एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग जाता है, लेकिन फिटकरी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपका घी सफ़ेद ज़रूर दिखेगा, पर पौष्टिक गुण उतने आपको मिलने वाले नहीं जितने आपको इसमें मिलने वाले, और इसकी स्मेल जो है ना, जो भी घी का काम करता है, जो भी घी निकालता है, यकीन बता रहा हूँ दोस्तों 3 दिनों तक मेरे हाथ से इस घी का टेस्ट नहीं गया। लोग मेरे ऑफिस के बोलने लगे कि भाई साहब आपके हाथों से घी की स्मेल आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इतना शुद्ध घी होता है। इसको दोस्तों आपको छन्नी ले लेनी है, लोहे की छन्नी ले लेनी है, उस लोहे की छन्नी से आपको जो छान लेना है। छानने से ये होगा दोस्तों कि जो छानने के बाद जो घी तो बन जाएगा, घी के साथ में जो बाहर आपको जो देख रहे हैं ना, जो जले जले से दिख रहा है, ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये भी बहुत ही पौष्टिक होता है। इसको दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिला लेना, और इसका एक लड्डू बना करके आपको सेवन करना है। यकीन मानिए इसका लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि देखिए जाने अनजाने में पूरी तरीके से घी छन तो नहीं पाता, पर घी रहता है इसमें, और वो घी जो होता है, घी का लड्डू, गुड़
और आप इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिए, मेथी दाने मिला लीजिए और बेहतरीन बहुत ही शानदार तरीके से लड्डू मैंने हालांकि इसका बना करके रखा हुआ और इसका लड्डू का सेवन भी करता हूँ। तो आप भी इस प्रकार से देखिए, घी देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट घी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पीच नीचे की आप देखेंगे परत तक की इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और ये कटोरी में हम इसको छान करके ना दोस्तों इस घी को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इस ऐसे घी का इस्तेमाल दोस्तों आप अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बाहर का केमिकल वाला घी ना खिला करके आप घर पर ही घी बना करके खिला सकते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये 15 दिन का घी है, 15 × 30 यानी कि 130 दिन का एक महीना होता है, और एक महीने में इतना घी मुझे ये मान के चलिए कि दोस्तों एक पाव घी जो है आसानी से इसमें आपको मिल जाता है। एक पाव घी अगर आप मार्केट वैल्यू में देखा जाए, अगर गाय का घी अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों 1000 से 1200 रुपये लीटर आपको घी मिल जाता है। और जिसको आप घर पे दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से निकली हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब छाछ निकल जाता है तो उस छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि आप बेनिफिट है आपको, 60 रुपये लीटर दूध में आपको घी भी मिल रहा है, एक पाव घी भी मिल रहा है जिसका आप इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, छाछ मिल रही है आपको, छाछ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूध तो आप वैसे भी पी ही रहे हैं, मतलब सभी प्रकार की चीज़ों के दूध से 3 प्रकार के आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप घी को निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही देसी तरीके से बताया, शुद्ध बिलौने से घी निकालने का मैंने आज आपको तरीका बतलाया। दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ, एक वीडियो पर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक गिलास में मैंने निकाला और एक गिलास जो होता है वो 250 ml होता है, और 250 ml से भी ये घी जो है ना दोस्तों 250 ml लगभग घी है ये मेरा, क्योंकि घी का वजन ज़्यादा होता है किलो के हिसाब से। ये देखिए कितना शानदार घी आपको दिख रहा है, ये थोड़ी देर रखेंगे तो ये घी जो है जम जाने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो में आप देख ही लिए होंगे कि हम 15 लीटर दूध से कितना घी निकाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी मोर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।